नमस्ते नमस्कार भाई लोग बहन लोग, कैसे हो आप। मैं हूं विष्णु शर्मा और स्वागत आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास संभव भेद 19वीं क्लास है, जहां हम बात कर रहे हैं वेक्टर्स की, सदिश की, मोशन इन अ प्लेन, समतल में गति की बात चल रही है। लेकिन अधिकतर स्टूडेंट इसे वेक्टर्स के नाम से जानते हैं, इसलिए मैंने इसको वेक्टर चैप्टर नाम दिया है। और नाम भी मैंने यही लिखा है, मोशन इन अ प्लेन नहीं लिखा है, बट आप समझ जाना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर क्या होते हैं, वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या होता है, और फिर तीसरी नई चीज़ पढ़ी हमने टेंसर, प्रदिश राशियाँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टेंसर वर्ड को देखकर घबरा जाते हैं। बात यह है कि यह जो टेंसर क्वांटिटी है, इसका जिक्र हायर क्लासेस में होता है। जब आप ऐसे BSc, MSc, PhD ऐसे कोर्सेस पढ़ेंगे, इन क्लासेस में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर इनका जिक्र होगा। इसलिए जो इस लेवल पर जहाँ हम हैं, उस लेवल पर जब इसका जिक्र होता है तो हमें कन्फ्यूज़न होता है और हमें पूरी तरीके से समझ में नहीं आता है। तो कल की क्लास में हमने टेंसर क्वांटिटी के बारे में भी समझा और ये भी जाना कि I यानी इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर यानी अदिश राशि या टेंसर यानी प्रदिश राशि, स्केलर या टेंसर बोलेंगे, स्केलर बोलेंगे या टेंसर बोलेंगे, स्केलर बोलेंगे तो क्यों बोलेंगे, टेंसर बोलेंगे तो क्यों बोलेंगे, इन सब के बारे में हमने जिक्र किया था और इन सब के बारे में हमने डिस्कस भी किया था। वैसे ही हमने पढ़ा क्या डिफरेंस है पोजीशन वेक्टर के बीच में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में। पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है, स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश का क्या मतलब है, ये सब भी हमने पढ़ा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश। वेक्टर में इसका बड़ा रोल है भाई, 12th क्लास के मैथमेटिक्स में ये वेक्टर नाम से जो चैप्टर आया उसमें भी ये है, बट बहुत सारे लोगों को इसकी पावर का पता नहीं होता। पावर, पावर यानी ताकत, इसकी ताकत क्या है, इसे काम में कैसे लेना है, इसका मतलब क्या है, ये हमें नहीं पता होता है। इसलिए आज हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर की, इसके बाद बात करेंगे हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, किसी भी सदिश के जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कंपोनेंट है, रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर है, यानी एक वेक्टर के दो या तीनों दिशाओं में, तीनों डायरेक्शन में क्या क्या कंपोनेंट आने वाले हैं, वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सारा मैं एक ही जगह पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नॉर्मली मैं ये नहीं कहूँगा कि एग्जाम में आए हुए ही है, बट इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट बाहर निकलता है या जिन कॉन्सेप्ट पर यह आधारित है, उन कॉन्सेप्ट का जिक्र एग्जाम में हमेशा ही होता है, हमेशा ही होता है। आगे मेरी बात समझ में। चलिए भाई, तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आगे सबसे पहले बात करेंगे यूनिट वैक्टर। भाई क्या होता है यूनिट वैक्टर, नाम से भी पता लग रहा होगा, यूनिट, यूनिट का मतलब होता है एकांक, इकाई, इकाई, इकाई यानी एकांक यानी वैल्यू एक, जिसकी वैल्यू कितनी हो एक को। तो मैं यहाँ पे पहले हेडिंग डाल देता हूँ, यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश। एकांक सदिश शॉर्टकट में लिख देता हूँ भाई, है ना, क्योंकि डेफिनेशन का टाइम है नहीं हमारे पास। जिसका मैग्नीट्यूड एक हो, जिसका मैग्नीट्यूड एक हो यानी जिसका परिमाण एक हो, यानी जिसकी वैल्यू एक हो, वैल्यू एक है इसीलिए यूनिट वेक्टर बोलते हैं। बट सबसे बड़ी बात, फिर ये काम किस में आता है, ये इंडिकेट ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, इंडिकेटर स्पेसिफिक डायरेक्शन, किसी विशिष्ट दिशा को बताते हैं, विशिष्ट दिशा, या कह दो इनका काम केवल डायरेक्शन बताना है, इनका काम डायरेक्शन बताना है, इनका काम दिशा बताना है, इनका काम दिशा बताना है, यानी इनकी वैल्यू एक होती है, इनका मैग्नीट्यूड एक होता है, लेकिन इनको हम दिशा बताने के लिए काम में लेते हैं।
दिशा बताने के लिए काम में लेते हैं। जब हम यूनिट वेक्टर लगाते हैं तो जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सभी डायरेक्शन है, लेकिन जब इनको लगा दिया जाता है तो एक विशिष्ट डायरेक्शन की बात की जाती है, एक स्पेशल डायरेक्शन की बात की जाती है कि भाई यही डायरेक्शन है या यही डायरेक्शन है या यही डायरेक्शन है। उस डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हमें यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर को लिखा जाता है केप से। मैंने लिखा है यहाँ पे एन केप, केप केप यानी टोपी, तो केप से लिखा जाता है। जिसके ऊपर टोपी आएगी वो टोपी बाज होगा, जिसके ऊपर टोपी आएगी वो टोपी बाज होगा। लेकिन यहाँ पर इस टोपी का मतलब है स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक विशिष्ट दिशा, जहाँ सभी दिशाएं हैं लेकिन किसी एक स्पेशल डायरेक्शन की बात की जाएगी। ठीक है, उसके लिए हम यूनिट वेक्टर काम में लेंगे। तो यहाँ पर टोपी आएगी, केप आएगी जिसे हम बोलेंगे एन केप। विशेष डायरेक्शन, स्पेशल जो डायरेक्शन है यानी विशिष्ट दिशा है, वो मैंने इसलिए बोली क्योंकि हमने कल ही पढ़ा था आई केप, जे केप एंड के केप। आई केप जो है वो एक्स एक्सिस को बताने में काम आता है, यानी आई केप जहाँ पर आ गया वहाँ फिक्स है कि आप किसके डायरेक्शन की बात करेंगे, एक्स के डायरेक्शन की बात करेंगे। पॉजिटिव आई केप आता है तो एक्स का डायरेक्शन पॉजिटिव होएगा। यदि आपके पास नेगेटिव आई आता है, आई केप आता है, तो इसका मतलब आपका एक्स नेगेटिव होगा, यानी आपका ग्राफ आप ऐसे बनाते हैं तो इधर आप चलते हैं तो आपकी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है और इधर आप आते हैं तो एक्स की वैल्यू आपकी नेगेटिव होती है। तो इधर के लिए आपको आई केप लिखना पड़ेगा और इधर यदि किसी कोऑर्डिनेट पे आ रहे हैं तो आप यहाँ पर माइनस का आई केप लिखेंगे, तो ये बताएगा माइनस के एक्स डायरेक्शन को। हम समझ जाएंगे, स्पेसिफिक डायरेक्शन हुआ ना, एक विशिष्ट दिशा हुई ना, वैसे ही ये जो जे केप है ये वाई एक्सिस को बताता है। वही बात, जे पॉजिटिव है तो ऊपर मैं लिख देता हूँ जे पॉजिटिव, यानी वाई डायरेक्शन पॉजिटिव है। नीचे लिख देता हूँ माइनस का जे, यानी जे केप, जे केप लिख देता हूँ, ये आपको माइनस के वाई डायरेक्शन की बात बताएगा। वैसे ही जो जेड है, सॉरी के केप है, वो आपको जेड एक्सिस के बारे में बताता है। वही बात, यदि के आपका पॉजिटिव है यानी प्लस के जेड डायरेक्शन की बात हो रही है, लेकिन यदि के केप आपका माइनस का है, इसका मतलब माइनस के जेड डायरेक्शन की बात हो रही है, यानी स्पेसिफिक डायरेक्शन आ गया है। बट जब हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ, बायो सावर्ट लॉ और कहाँ पे काम आता है, ज़्यादातर ग्रेविटेशनल में काम आता है, तो ग्रेविटेशनल के लिए फॉर्मूला है फोर्स का। जब ये फोर्स वाले फॉर्मूले हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर आई केप, जे केप, के केप का ना पता रहे हमें, तो फिर हमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को कैसे शो किया जाए, तो हम कभी आर केप लगाते हैं, कभी एन केप लगाते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन को फिर हम एन केप की सहायता से समझते हैं, इसलिए मैं उसे एन केप लिखूंगा। एन केप, आई केप, जे केप, के केप, ये एक ही बात है, लेकिन यहाँ पे एक्स के लिए आई केप है, वाई के लिए जे केप है, के केप जो है वो जेड एक्सिस के लिए है। लेकिन एन केप का मतलब अभी ये है कि हमें पता नहीं है ये एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है या जेड एक्सिस में। बट यूनिट वैक्टर एन केप यदि आपको निकालना हो, यानी एकांक सदिश आपको निकालना हो, यदि आई केप, जे केप, के केप आपको कुछ भी निकालना हो, तो आप कैसे निकालेंगे? तो यदि आपको एक वेक्टर ए दे रखा है तो आप उसका वेक्टर वैल्यू जो है, वेक्टर सदिश रूप यहाँ पर लिखो और वेक्टर फॉर्म यहाँ लिखने के बाद उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड दे दो, मैग्नीट्यूड का डिवाइड दे दो, यानी परिणामी मान, परिमाणी मान, परिमाण का डिवाइड दे दो, परिणामी नहीं, परिमाण, परिमाण का डिवाइड दे दो। ऊपर लिखेंगे आप वेक्टर फॉर्म सदिश रूप और नीचे आप लिखेंगे यहाँ पर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यदि आप लिखते हो नीचे, डिवाइड देते हो वेक्टर फॉर्म में, तो आपके पास जो भी वैल्यू निकल कर आएगी वो एन कैप होगी। ठीक है, चलिए, इसका कोई मात्रक वात्रक नहीं होता है, कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है? तो क्या क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा भाई इसकी वैल्यू होती है एक, इसका काम होता है डायरेक्शन बताना, जैसे आई केप, जे केप, के केप, इसमें केप आता है, केप का मतलब हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, और यदि आई केप की बात कर रही है यानी वो एक्स एक्सिस के लिए है, यदि जे केप की बात कर रही है तो वाई एक्सिस के लिए है, और के केप की बात कर रही है तो वो जेड एक्सिस के लिए है। बट कभी हमें पता ना हो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, तो हम एन केप यूज़ कर लेते हैं और निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है ए वेक्टर डिवाइड बाय ए मोड। ठीक है, आगे देखो मॉड्यूलस ऑफ ए भी लिख सकते हैं इसको। चलो मैं आपको एक सवाल कराता हूँ, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू थ्री आई केप फोर जे केप, थ्री आई केप फोर जे केप केप, देन फाइंड यूनिट वेक्टर।
एकांक सदिश निकालो। सिंपल सी बात है, एकांक सदिश n के आप निकालेंगे a वेक्टर डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ a, मोड ऑफ a लिख दो यहाँ पर, और आप यहाँ पर लिखेंगे n के इक्वल टू a वेक्टर आपके पास है 3i k 4j k। अब यहाँ पर मोड की बात आती है, मैग्नीट्यूड की बात आती है, तो आप मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड के लिए मैंने क्या बोला था, आप रूट लगाओ, साथ में यहाँ पर जो वैल्यूज़ है एक्स की वाई की इन सब का स्क्वायर करके आप जोड़ दो, यानी आप 3 का स्क्वायर जोड़ देंगे और 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 3 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे और 4 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू 3 है और यहाँ ध्यान से देखो वाई की वैल्यू 4 है, ठीक है भाई। तो मैं लिखूँगा 3i k 4j k, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 रूट, और यहाँ पर आ गया 3i k 4j k, ये बन गया 25 रूट, ऊपर मैंने लगा दिया है। इसके बाद मैंने वापस इसको ऐसे कैसे लिखा, 25 का रूट 5 होता है, ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया। देखो आया कि नहीं आया, आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं, देखिए आपके पास a वेक्टर दे रखा है i k -2j k 3k k, बी वेक्टर भी आपको दे रखा है 2i k + 3j k - 2k k। हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, मैं थोड़े से इसके लेवल को बढ़ाने वाला हूँ, है ना, यूनिट वेक्टर ऑफ रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ वेक्टर ए एंड बी। इसने बोला है कि यूनिट वेक्टर निकालना है रिजल्टेंट का परिणामी मान का, जो कि सम ऑफ वेक्टर ए एंड बी के बराबर है, यानी ए और बी को आपको जोड़ना है, जो वैल्यू आएगी जिसे हम रिजल्टेंट बोलेंगे, ए और बी को हम जोड़ देंगे, सम करेंगे, सम करने से जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम करेंगे सम। मैं रिजल्टेंट को आर वेक्टर लिखता हूँ, ऐसी चीज़ें आपने सुनी भी होगी, इसलिए मैंने इसको सीधे सवाल में डाल दिया है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे हैं सब चीज़ें। यदि कोई 11th का बच्चा इसे पढ़ता फर्स्ट टाइम तो शायद उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता, बट हम में से जो भी ये क्लास देख रहा होगा ज़्यादातर लेब असिस्टेंट वाले, सेकेंड ग्रेड वाले, या फिर नीट IIT JEE एयरफोर्स कोस्ट गार्ड इन सब वाले जो कोर्सेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, यदि जो भी इस वीडियो को देखेगा उससे पहले से लगभग इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया रहेगा। तो मैंने यहाँ पे रिजल्टेंट डाल दिया, सवाल को थोड़ा समझ में आ जाए इसलिए मैंने लिख दिया रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ फैक्टर ए एंड बी, ए और बी को सम करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा, परिणामी मान आएगा, उसका हमें यूनिट वैक्टर निकालना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आर वैक्टर, जो कि होता है ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर। ए वैक्टर जो यहाँ पर आएगा वो आएगा i k - 2j k + 3k k + 2i k + 3j k - 2k k, और यहाँ पे आ जाएगा r वेक्टर बराबर, देखो यहाँ पर 2i और 1i मिलके बनाएंगे 3i k। देखें i वालों को जोड़ना है, j वालों को जोड़ना है, k वालों को जोड़ना है, सेम डायरेक्शन वाले जुड़ेंगे, i k वाले जुड़ेंगे, j k वाले जुड़ेंगे और k k वाले जुड़ेंगे, माइनस है तो घट जाएंगे, सीधी सी बात है। यहाँ पर देखो प्लस का 3j k है, यहाँ माइनस का 2j k है, प्लस के 3 में से माइनस का 2 जाता है तो प्लस का j k बचता है, उसके बाद में 3k k है और यहाँ पर माइनस का 2k k है, 3 में से 2 जाता है तो प्लस का आपके पास k बच जाता है, ये आपके पास r वेक्टर आ गया है, ठीक है। रिजल्टेंट आ गया है r वेक्टर डिवाइड बाय r मोड, यदि मैं कर दूं तो मेरे पास n केप निकल कर आएगा, जो कि मुझे चाहिए। r वेक्टर ये रहा 3i k + j k + k k, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3i k + j k + k k डिवाइड, मुझे यहाँ पे मोड यानी वो चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, परिमाणी मान चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा और इन नंबर का यानी एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू जो है उनका स्क्वायर करके मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो मैं जोड़ूंगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का स्क्वायर, और KK के आगे भी कुछ नहीं है तो मैं लिखूंगा 1 का स्क्वायर, कुछ नहीं है तो 1 लिखूंगा ना भाई, ठीक है। और अब मेरी जो ये वैल्यू बनेगी 3i k + j k + k k डिवाइड, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 और 2 11 होते हैं, और मेरे पास आ जाएगा √11, ये हमारा n केप हो गया, बस समझ में आ गया होगा, ऐसे यूनिट वेक्टर निकाला जाता है, ठीक है। चलिए दो और सवाल कराते हैं, अच्छे अच्छे सवाल हैं, ठीक है, एक दो सवाल और लेते हैं, इसको फटाक से करते हैं,
तभी समझ में आएगा। और एक बार समझ में आ गया यूनिट वेक्टर का खेल तो आप फटाक से समझ जाएंगे, क्योंकि बड़ी क्लासों में जहाँ पर हमें वेक्टर फॉर्म पूछी जाती है किसी भी फॉर्मूले की, किसी भी फॉर्मूले की हमें वेक्टर फॉर्म पूछी जाती है, सदिश रूप पूछा जाता है, तो हम वहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इस एन कैप में, क्योंकि हमें एन कैप के बारे में पूरी जानकारी पता ही नहीं होती। इसके अलावा जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं, सदिश गुणनफल करते हैं, तो वहाँ पर भी एन कैप एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। अब एन कैप के बारे में जब तक आपको सभी जानकारियाँ नहीं पता होगी, आप इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे और अब आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे। और यही वजह है कि वेक्टर हमें टफ लगने लग जाता है, जबकि है नहीं, पढ़ाई आसान है। हम जो पढ़ रहे हैं ना, धीरे 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 अपने छोटे मोटे सवाल बनाना चालू करो टेक्स्ट बुक के, आपको खुद को ही लगेगा कि नहीं यार मज़ेदार है। और उसके बाद में आप प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, जिसे हम टफ समझते हैं, नदी नाव वाले सवाल, छाता आदमी वाले सवाल, इस टाइप के सवाल जिन्हें देखते हमारा दिमाग घूम जाता है, वो सब भी फटाक फटाक से करना चालू करेंगे, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो सवाल फटाक से बनना चालू हो जाएंगे। सारा खेल यही है, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा आप रटेंगे, और रटने से सवाल सॉल्व नहीं होते, सवाल नहीं बनते। फिजिक्स आने के लिए ज़रूरी है आप कॉन्सेप्ट को समझे, फील करें अंदर से कि भाई ये कॉन्सेप्ट कहना क्या चाहता है, उसका मैसेज समझे, उसके बाद देखो कैसे चुटकियों में सवाल सॉल्व होते हैं आपसे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। चलिए, हाँ भाई, चलो देखो, आज इज द रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ वेक्टर ए एंड बी, ऐसे लिख देता हूँ, रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ ए एंड बी, डायरेक्टली लिख दूँ क्या, ऐसे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, आर जो है वो रिजल्टेंट है ए और बी के सम का, ए और बी के जोड़ने से जो वैल्यू आती है वो आर वेक्टर है, मैं आर वेक्टर लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो आगे, एक्स वेक्टर इज एडिट टू द आर वेक्टर इन सच ए वे दैट इट गिव्स यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन, फाइंड एक्स वेक्टर। आर जो है, आर वेक्टर जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट है। ठीक है, यानी आर वेक्टर जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के सम का रिजल्टेंट है, ये लो मैंने जोड़ दिया। आंसर जो भी आएगा उसमें एक्स वेक्टर इस तरीके से जोड़ा गया है कि जो भी आंसर आता है वो आंसर यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश जेड डायरेक्शन में, इन जेड डायरेक्शन बोलो या अलोंग दी जेड डायरेक्शन बोलो, जेड डायरेक्शन में एकांक सदिश को देता है। तो बताओ एक्स वेक्टर कितना होगा। अब देखो यहाँ पर मैंने ए वेक्टर की वैल्यू नहीं लिखी है, तो मैं ए वेक्टर की वैल्यू दे देता हूँ, टू आई के, तीन जे के, पाँच के, ये मैंने यहाँ पर डाल दी है। माइनस का ले लोगे इधर, माइनस का, ठीक है सिम, ठीक है कैसे ले लो यार, ये माइनस का ले लेता हूँ, इसको मैं प्लस का देता हूँ। बी वेक्टर जो है वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, चार आई के प्लस का सात जे के माइनस का सात के, ठीक है क्लियर है। अब बात करनी है मुझे रिजल्टेंट की, आर की बात करनी है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना भाई, आर वेक्टर क्या होगा सबसे पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा, और आर वेक्टर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो आर वेक्टर निकालने के लिए हमें इसको जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के लिए मैं लिखूँगा टू आई के माइनस का तीन जे के प्लस का पाँच के, ये मैंने यहाँ पे फालतू लिखा है, जगह भर रही है ये लो, प्लस बी वेक्टर को लिखूँगा मैं फोर आई के प्लस का सात जे के
माइनस का साथ के केप, और अब आपके पास में आठ वेक्टर आएगा। देखो आई आई वालों को जोड़ लो, चार और दो दोनों प्लस के, यानी छः आई केप बनेगा। यहाँ पे माइनस का तीन जे केप है, यहाँ पे प्लस के सात जे केप है, सात में से तीन जाएंगे तो प्लस के चार जे केप आएंगे। और मैं आपको कहूँ कि इनको जोड़ो तो आप जोड़ेंगे, सीधी सी बात है, सात में से पाँच जाएंगे तो मेरे पास माइनस का टू के केप आएगा, ये आपका आर वेक्टर हो गया है। अब इसके अंदर जेड को जोड़ने से आपको यूनिट वेक्टर मिलेगा जेड डायरेक्शन में। जेड डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, मैं पहले आपको ये चीज़ भी समझा देता हूँ। यूनिट वेक्टर अलोंग जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में जेड एक्सिस लिख दूँ क्या, डायरेक्शन की जगह अलोंग जेड एक्सिस। जेड डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर चाहिए, यानी एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसकी वैल्यू यूनिट हो, यानी वन हो, यानी वन होनी चाहिए। लेकिन वैल्यू तो वन होनी चाहिए, लेकिन उसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए, अलोंग दी जेड एक्सिस। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखा है, तो ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है, और पॉजिटिव जेड एक्सिस का मतलब होता है के कैप, यही होगा ना। माइनस जेड एक्सिस होता तो मैं माइनस का के कैप लिखता, यानी आपको लास्ट में ये मिलना चाहिए। अब आप आर में ऐसा क्या जोड़े कि ये मिले, तो ध्यान से देखो, यही जोड़ना है ना, एक्स को आर में जोड़ना है, और इस तरीके से जोड़ना है कि आपको ये मिले। तो ध्यान से देखो, इसका मतलब ये भी गायब हो जाना चाहिए, ये भी गायब हो जाना चाहिए, और ये भी गायब हो जाना चाहिए, ये भी गायब हो जाना चाहिए, लेकिन ये इस तरीके से होना चाहिए कि आपको आंसर में ये मिल जाए। तो देखो, मेरे पास जो एक्स वेक्टर होगा उसको मैं लिखूँगा माइनस का छः आई केप। जैसे ही माइनस का छः आई केप लिखूँगा, ये आर वेक्टर से जुड़ेगा, ये कट जाएगा। फिर यहाँ पे लिखूँगा माइनस का चार जे केप, ये भी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ की बारी आती है, मुझे लास्ट में प्लस का एक के केप बचाना है, यानी मेरे पास यहाँ पर एक नंबर ज़्यादा होना चाहिए, वो भी प्लस का होना चाहिए। ये लो भाई, यानी एक्स वेक्टर ये आ गया। अब आप कहेंगे सर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, तो आप ऐसे देख लो यार, करके देख लो, आर प्लस एक्स वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास बचना क्या चाहिए, देखो यहाँ से ध्यान से देखो, बचना चाहिए आपके पास आई नहीं बचना चाहिए, यानी जीरो आई केप लिख दिया मैंने आपके पास, या जीरो भी नहीं लिखता हूँ, चलो छोड़ो, अब तक जीरो वेक्टर नहीं बताया ना मैं, नहीं लिखता हूँ। आपके पास लास्ट में बच जाना चाहिए वन के केप, और कुछ नहीं बचना चाहिए। तो आर वेक्टर को लिखो यहाँ पर, आर वेक्टर को आप इधर लिख दूंगा मैं, आर वेक्टर को आप लिखोगे छः आई केप प्लस का चार जे केप माइनस का टू के केप प्लस का एक्स वेक्टर बराबर में आपके पास वन के केप बचना चाहिए, यही है ना। देखो इन सबको इधर लेके जाओ, ये छः इधर जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, माइनस का छः आई केप, चार उधर जाएंगे माइनस का चार जे केप हो जाएंगे, फिर ये दो भी उधर जाएगा, और यहाँ पर देखो पहले से एक के केप है, और दो के केप और उधर आ जाएंगे, और आपके पास एक्स वेक्टर बच जाएगा माइनस का सिक्स आई केप माइनस का फोर जे केप प्लस का दो रे कितना हुआ तीन के केप। आगे देखो आंसर सेम आ रहे, लेकिन यहाँ से करोगे तो ये टाइम बचेगा। देखो क्या होता है, हमें बोला जाता है ट्रिक्स, अरे ट्रिक्स नहीं होती, हर सवाल की यदि ट्रिक्स पढ़ने लगोगे तो आपकी 12 बज जाएगी, जो तो पहले से बजी पड़ी है, ठीक है। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो कॉन्सेप्ट पर हाथ मजबूत करो, और उसके बाद में जितनी प्रैक्टिस आप करोगे आप खुद अपने ट्रिक्स निकाल पाओगे कि इस सवाल को मुझे ऐसे करना है इस सवाल को मुझे ऐसे करना है, एक मिनट में पानी पी लेता हूँ, ये सवाल मुझे इस तरीके से करना पड़ेगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके दिमाग में खुद उतनी ट्रिक्स उतने सुपर कॉन्सेप्ट बनना चालू हो जाएंगे, समझ गए। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए भाई एक सवाल और करते हैं, फिर उसके बाद में अगली कहानी चालू करेंगे, ठीक है। आ जाओ भाई, आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। बहने बुरा मत मानना, उनके लिए भी यही है, सभी आ जाओ, पढ़ना तो है, सिलेक्शन हमें देना तो है, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए, सिलेक्शन किसी भी कीमत पर लेकर रहेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे रात को नहीं सोना पड़े, दिन को जागना पड़े, दिन रात मेहनत करनी पड़े। एक बार जिंदगी में सेटल होना है, अपनी लाइफ को, अपने एम को, जो सपना है उसे पूरा करना है, लेकिन उसके लिए मेहनत लगती है भाई, ठीक है, फ्री में कुछ नहीं मिलता, ठीक है। चलिए तो देखो, मेरे पास एक ए वेक्टर है जिसको मैं लिख देता हूँ तीन आई के प्लस का चार जे के
फिर मेरे पास एक बी वेक्टर है और उसको मैं लिख देता हूँ 7ik प्लस का 24jk, ऐसा ले लेता हूँ। 24 में ले लो क्या, 24 इसी के साथ ले लो ना यार, कहाँ दिक्कत है। ठीक है, 6ik 8jk ऐसे लिख देता हूँ, 6ik 8jk। अब हमें क्या चाहिए, फाइंड अ वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड इक्वल टू, मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए वेक्टर एंड डायरेक्शन सेम एज बी वेक्टर। सवाल थोड़ा सा घुमावटी है बट आसान है। अधिकतर बार ऐसा सवाल पूछा गया है कि मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए, ऐसा वेक्टर चाहिए जो मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू तो रखे ए वेक्टर के बराबर, ए के बराबर तो उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए ए वेक्टर के बराबर, लेकिन उसका डायरेक्शन बी वेक्टर के सेम समान होना चाहिए, बी वेक्टर के डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन होना चाहिए। मैं उस वेक्टर को नाम दे देता हूँ एक्स वेक्टर, यानी एक्स वेक्टर की जो वैल्यू है यानी जो मैग्नीट्यूड है वो ए वेक्टर के जैसी होनी चाहिए बट डायरेक्शन बी वेक्टर जैसा होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे क्या सवाल आ गया भाई, ऐसा सवाल जिसमें वैल्यू तो हो ए की और डायरेक्शन हो बी का, क्या ये पॉसिबल है? है ना, क्यों नहीं है, अभी देखते हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई कि भाई आपने एन कैप निकाला तो आपने निकाला ए वेक्टर बाय ए मोड निकाला। यहाँ से आपको एक चीज़ और समझाऊंगा मैं, और वो ये चीज़ है कि मैं ए मोड को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ और इधर मैं एन कैप लिख दूँ तो आप लिखेंगे ए वेक्टर, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपको किसी का किसी भी चीज़ को वैक्टर में लिखना है, किसी भी चीज़ को वैक्टर में लिखना है तो इस वेक्टर को लिखने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी मैग्नीट्यूड की, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, ये रहा मैग्नीट्यूड, और साथ में जरूरत पड़ेगी डायरेक्शन की। इन दोनों चीजों को आप मल्टीप्लाई कर दो आपके पास वेक्टर फॉर्म निकल के आएगी, सिंपल सी बात है। दोनों को चिपका दो, ये मल्टीप्लाई नहीं है ये चिपकाना है, चिपका दो, यहां पे रखो मैग्नीट्यूड यहां पे रखो डायरेक्शन, आपके पास वेक्टर फॉर्म बन जाएगी। आप मल्टीप्लाई मत समझना इसे, ये मल्टीप्लाई नहीं है तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं, ये लो ब्रैकेट लगा देता हूं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड लिखो डायरेक्शन लिखो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा ये। अब देखो यहां पे इसने बोला है मेरे को जो वेक्टर चाहिए, ये वेक्टर है मेरा एक्स वेक्टर, उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, उसको मैं लिख सकता हूं सबसे पहले मुझे उसका मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा और उसके बाद में यहां मुझे उसका डायरेक्शन लिखना पड़ेगा, यही है कहानी। यानी जो मेरा एक्स वेक्टर है असलियत में, आप जब आगे आगे निकालोगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रखने का मतलब क्या है। इसका मतलब देखा जाए तो ये सीधा मल्टीप्लाई होने वाला है, इससे डायरेक्शन की जो भी वैल्यू निकलने वाली है, एन कैप की जो भी वैल्यू होने वाली है उसमें ये मल्टीप्लाई होने वाला है। लेकिन जब मैं यहाँ बोलता हूँ ना मल्टीप्लाई ऐसे, तो कई लोग सोचते हैं सर वैक्टर्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो तो स्केलर और वैक्टर दो तरह का होता है, यहाँ कौन सा करें। अरे आप जब ध्यान से देखेंगे तो ये जो मैग्नीट्यूड आने वाला है ये स्केलर आने वाला है अदिश, और जब किसी अदिश राशि को किसी सदिश राशि से गुणा करते हो और जो डायरेक्शन आपका आने वाला है वो आपका आने वाला है वेक्टर में, वेक्टर फॉर्म में। तो जब आप किसी अदिश राशि को किसी सदिश राशि से गुणा करते हैं, सदिश राशि से गुणा करते हैं तो सीधा सीधा ही गुणा हो जाता है भाई। तो ये देखा जाए तो एक डायरेक्शन ही है, ये देखा जाए तो एक मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड स्केलर होता है, डायरेक्शन वेक्टर होता है, और जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीधा सीधा सिंपल सा मल्टीप्लाई जैसे आप करते हैं आज तक, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, इस तरीके से। आपको अभी तक उस लेवल पे मैंने पढ़ाया नहीं है जहाँ पे हम स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें, वो तब होता है जब दो वेक्टर नंबर दोनों ही वेक्टर हो, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जब दोनों ही नंबर वेक्टर हो, दोनों ही संख्याएं सदिश रूप में हो तब हमें ये यूज करना पड़ता है। लेकिन यदि मैं लिख दूं दो और मैं लिख दूं ए वेक्टर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, दो ए वेक्टर यानी एक्स आई के
वाई जे केप एंड जेड के केप, यदि मैं ऐसे लिखूं तो सीधा मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा 2x i केप 2y j केप एंड 2z k केप। इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे आप ऐसे रख दो, लेकिन जिन बच्चों को यदि ढंग से समझ में आ गए तो समझ लें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और हम सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो आज तक हम करते हैं, जो मैं यहाँ पे करके आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड आपका ए वैक्टर के बराबर होना चाहिए, यानी यहाँ पे मैग्नीट्यूड में आपका ए मोड आएगा। ठीक है, आपका जो डायरेक्शन होना चाहिए वो डायरेक्शन आपका बी के जैसा होना चाहिए, यानी बी ही या बी के अलोंग ही होना चाहिए, यानी आपको डायरेक्शन में एन केप लिखना है। एन केप का काम है डायरेक्शन बताना, इसका मतलब ये एन केप किस डायरेक्शन में होना चाहिए, बी के डायरेक्शन में होना चाहिए, तो आप यहाँ पर लिखो बी केप, यानी बी के डायरेक्शन की बात चल रही है। और आपका जो एक्स वेक्टर है अब इस तरीके से आने वाला है। ए का मोड देखो, यहाँ पर ए आपके पास ये रहा। मोड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मैं ब्रैकेट भी लगा देता हूँ, रूट करना पड़ेगा और इन सब का स्क्वायर करके जोड़ना पड़ेगा, यानी 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पर देखो, मैं इस फॉर्मूले को एक बार और अच्छी फॉर्म में लिख देता हूँ। बी कैप को आपको कैसे लिखा जा सकता है, आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिखेंगे बी वैक्टर डिवाइड बाय बी मोड, ऐसे लिखेंगे ना। तो देखो यहाँ पर वैक्टर फॉर्म लिखो बी की, बी की वैक्टर फॉर्म ये रही 6i केप + 8j केप, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद मुझे इसी बी वैक्टर का मोड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड के लिए मैं लगाऊंगा रूट, और यहाँ पर देखो 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर, मैंने ये भी कर दिया। क्या किया मैंने भाई साहब, इन नंबर के स्क्वायर करके मैंने इसका ऐड कर दिया, मोड ऐसे तो निकलता है। ठीक है, ये मेरे पास ये हो गया। बी केप की जो पूरी फॉर्म होती है वो ये होती है, यहाँ पर बी वेक्टर डिवाइड बाय बी मोड, और बी वेक्टर की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है, मैंने लिख दी, और इसी का ही मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैंने क्या किया 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर, और अब आपके पास आ गया एक्स वैक्टर। ध्यान से देखना भाई, 3 का स्क्वायर आपके पास होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है आपके पास 16, 9 और 16 आपके पास 25 होते हैं, यहाँ पे आएगा √25। साथ में 6i केप + 8j केप, ये लो, डिवाइड में 6 का स्क्वायर आपके पास होता है 36, 8 का स्क्वायर आपके पास होता है 64, और एक्स फैक्टर की यदि बात की जाए तो आपका जो 25 है उसका रूट होता है आपके पास 5, आगे आपके पास लिखा हुआ है 6i केप + 8j केप, डिवाइड में आपके पास देखो 36 और 64 होते हैं आपके पास 100, 100 का रूट होता है आपके पास 10, आप यहाँ पे लिख दे 10। मल्टीप्लाई करने के बजाय आप आसान करके ऐसे काट दो ना यार, सीधी सी बात है, और आपके पास अब एक्स फैक्टर आ जाएगा 6i केप + 8j केप / 2, ये लो, कितना आसान है, ये एक्स वेक्टर होएगा। तो हम इस तरीके से यूनिट वेक्टर को यूज में ले सकते हैं, किसी नए वेक्टर को निकालने के लिए भी एक्स, ये जो हमारा यूनिट वेक्टर है उसको हम काम में लेंगे, और काम में लेंगे तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से काम करता है, उसके फॉर्मूले को हमें किस तरीके से यूज़ करना है। समझ में आया? ठीक है भाई, तो यूनिट वेक्टर का खेल यहाँ पर हो गया है पूरा। यूनिट वेक्टर आपको यदि समझ में आ गया है तो ये समझ लो आपके लाइफ अब झींगा लाला होने वाली है। ठीक है, यदि आपने ये कॉन्सेप्ट समझ डाला तो लाइफ हो गई और भी ज्यादा झींगा लाला। आजकल टाटा स्काई का ऐड आ रहा है ना, ये टाटा प्ले है ना, तो समझ जाओ मजे तभी आएंगे जब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट को यदि आपने पकड़ लिया, तो सवाल कितना भी बढ़ा जाए आप घबरा नहीं सकते, आप कर ही डालेंगे, मुझे पक्का विश्वास है, आप सवाल को फोड़ देंगे, बट आपको कॉन्सेप्ट जब तक नहीं आएगा सवाल आपके दिमाग को घुमा देगा, उसके बाद तो फिर पूरा पेपर ही घूमता है। चलिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हमारे।